नमस्कार, आप देख सकते हैं तश्वीरों में कि मैं एक टीवीएस शोरूम के बाहर खड़ा हूं। और जानते हैं यहां पर शोरूम के बाहर खड़े होने की वजह क्या है? यहां से जिन्होंने गाड़ी खरीदी है लगभग 5-6 ऐसे लोग यहां पर जमा होकर शोरूम वाले से बातचीत कर रहे हैं, उनसे झड़प हो रही है कि गाड़ी खरीदने के 2 साल के बाद भी इन लोगों को ना तो आरसी बुक मिला है और ना ही गाड़ी में नंबर प्लेट मिला है। उसका नुकसान इन्हें हर दिन उठाना पड़ता है, चाहे वो सफर करते हो रास्ते में। आपको पता ही होगा कि हर जगह पुलिस जो है गाड़ी की किस तरीके से चेकिंग करती है, किस तरीके से जो है फाइन मारती है, और आपके गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो, आपके पास आरसी बुक ना हो, तो फिर यहाँ पर लोग पहुंचाइए, जरा से जानते हैं। आइए तो जरा सरफराज, एक मिनट जरा सा। अच्छा, इधर आइएगा सरफराज, क्या आप लोग का क्या परेशानी, क्यों हल्ला? परेशानी ये हुआ सर, मेरे को 2 साल होने वाला है गाड़ी, और अभी तक जो ना कागज मिला है, ना आरसी बुक मिला है, ना नंबर प्लेट मिला। गाड़ी लेने से कितना सर? आप देखिए ना सर, कागज दिखाई दिखाई लगभग हो गया। कब खरीदे हैं गाड़ी आप? 20/5/2022 को खरीदे हैं। आपके साथ क्या परेशानी है? वही परेशानी है, मेरे भाई है। आपके साथ सर? मेरे साथ भी वही परेशानी है, नंबर प्लेट आया है। कितने दिन हो गए गाड़ी खरीदे? 14 महीना से ऊपर हो गया गाड़ी का। जब भी आपके आप लोग भी है आप, आपके साथ भी परेशानी? वही परेशानी है सर। सर कोई जिम्मेदार है यहाँ पर बात करने के लिए क्या? नहीं, कोई तो होंगे ना शोरूम में सर, बस थोड़ा जानना है कि गाड़ी खरीदने के कितने दिन के बाद यहाँ पर आप लोग नंबर प्लेट दे देते हैं, आरसी बुक दे देते हैं? हाँ, कहाँ गए सर? सर सर एक मिनट सर, खाली बता दीजिए कि कित गाड़ी अगर मुझे आज खरीदनी हो कितने दिन के बाद आप? सेम डे देंगे सर, सेम डे। इन लोगों के साथ क्यों ऐसा? उनका पेंडिंग में कोई रीजन हुआ होगा तो रीजन आप बताइए, रीजन आप बताइए। अभी सर बाइक लीजिए, अभी सेम डे तुरंत देंगे नंबर। तो फिर इन लोगों, ये जो इतने लोग जमा है, हम एक्चुअली पहले नहीं थे यहाँ पे, लगभग 6-7 महीना से हैं, ठीक है। जितना हमको जानकारी, हम नंबर देंगे अभी। नहीं, आप लोग इतना बड़ा शोरूम खोल के रखे हैं मार्केट में सर, लोग की विश्वसनीयता जीतने की बात हो, जो प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, वो बताएंगे। सर उनसे बात करवाइएगा। हाँ, करवाएंगे सर, जरूर रुके, कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। नहीं अभी फोन लगाइए ना, जरा सा फोन। ठीक है सर, आपको सुना है ना सर, बैठिए आइए बैठिए। हाँ आइए, जरा सा बात कर लगाइए। एक सवाल आ चुका आदमी, इतना परेशान हो कि थाना भी गए हैं, ठीक है। थाना में फोन किया, बोला कि 1 हफ्ता टाइम दीजिए, कागज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ता बाद आए, फिर भी 5 बार और एक्स्ट्रा आ चुके, लेकिन कागज वगैरह कुछ नहीं मिला अभी तक गाड़ी का। अभी भी कह रहा कि आपको जो है ना बोल के गए 12 तारीख को, अभी हम किस्ती देने आए थे, तो मालिक से बात हुई है। अभी भी बात कर, बड़ा त्यौहार है, त्यौहार के बाद हो जाएगा आपका, त्यौहार के बाद मिल जाएगा, उसके बाद मिलबे नहीं करता है, तो कितना चक्कर लगाएंगे, पैसा भी देना, चक्कर भी लगाना। आइए सर, जरा सा एक मिनट आपसे, सिर्फ ये जानना है कि आपके यहाँ से कोई अगर गाड़ी खरीदे तो कितने दिन के अंदर आप उन्हें आरसी बुक और नंबर? सेम डे। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो 2 साल तक नहीं सर, कभी ओटीपी मांगा तो उसको समय नहीं है, कभी हम बुलाए तो समय नहीं है, जिस कारण दोनों में लेंदी हुआ, ठीक है। अजीत जी को कल परसों बोला गया, अजीत जी को कि आप अजीत जी आइए, 2-4 फेस्टिवल के बाद हम नंबर प्लेट दे देंगे। कलंदर जी से अभी तुरंत जस्ट बात हुई है, अजय जी से अभी जस्ट बात हुई है कि जो पूजा के बाद हम स्वयं नंबर प्लेट दे देंगे आप लोग को बुला के। तो फिर इतना तो नहीं जी, इन लोगों एक जरा सा रुक जाइए, जरा सा एक एक्चुअली बात ये है सर जी, सर कि ये लोग गाड़ी जो लिए अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए, हर 5 किलोमीटर के बाद पुलिस गाड़ी लगाकर खड़ी रहती है और वो आपका आरसी चेक करती है, आपका नंबर प्लेट चेक करती है, सब कुछ चेक करती है। नहीं होता है तो फिर इन लोगों को फाइन कभी भरे हैं? फाइन 500 रुपया। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम हुआ, ठीक है। हम गोड्डा के तरफ गए, मेरा गाड़ी पकड़ा गया, ठीक है, जिसमें बोला फाइन आपको आरसी बुक है, बोले नहीं है, तो बोला आपको 8,000 रुपये फाइन लगेगा, ठीक है। क्या जिम्मेदार कौन है? आप अगर हम घर से गाड़ी वही छोड़ के हम आए, ठीक है, मनीष जी भी है, उसको फोन किए, यहाँ 8 मरतबा फोन किए, मनीष जी भी फोन किया। ये मनीष जी कौन है? मनीष जी है, पूछिए उसको, फोन किए हैं, मगर यहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में गाड़ी हम छोड़ के आए घर से, फिर हम 8,000 दे के गए, फिर गाड़ी लाए वहाँ से, फिर मनीष जी को बोले, अभी तक इसका हम जो पैसा होता वो पेड नहीं किए, नहीं तो पूछ लीजिए मनीष जी को। सर आप लोग मार्केट में इतना बड़ा बिजनेस, आपको लगता नहीं कि ऐसा कीजिएगा तो आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा? हम फेस्टिवल का समय लिए, फेस्टिवल में सारी समस्या दूर कर दें। कितने दिन के अंदर इन लोगों? फेस्टिवल के बाद
फेस्टिवल के बाद। जी जी, दो साल का तो फेस्टिवल निकल गया सर। जी सर, अब की बार और हम एक टाइम ले रहे हैं ना, हम दुर्गा पूजा आने दीजिए, दुर्गा पूजा के बाद जो है सारी समस्या दूर कर देंगे, जो भी रामेश्वरम का जो भी इनका प्रॉब्लम है दूर कर देंगे, ठीक है। जो मेरा खर्चा हुआ वो कौन दोगे? मेरा ये लगा कि मेरा चार बार गाड़ी पकड़ा चुका है, सनौला थाना दो बार पकड़ा है, फिर धनकुन थाना पकड़ा है, फिर गोड्डा थाना पकड़ा है, एक बार 3,000 दिया, सबका टोटल मेरे पास रसीद है घर में, अभी रसीद भी हम ला चुके हैं, दिखा सकते हैं। फेस्टिवल के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगा। पकड़ा जाने के बाद फोन करते, फोन रिसीव नहीं करता, नहीं तो मनीष जी को पूछ लीजिए। मनीष जी, आपका क्या रोल है? मैं बार बार आपका नाम ले। हम टीवीएस क्रेडिट से कनेक्शन जुड़ी हुए, ठीक है, जिसका अकाउंट से पैसा नहीं कटता उसका हम घर पे जा कनेक्शन करते हैं पैसा लेने के लिए। हाँ, जब हम जाते हैं फीडबैक, कस्टमर हमको गाड़ी बकता, मेरे गाली बकबे करेगा, आप लोग पैसा नहीं, जबकि हम बैंक से हैं तो हम नहीं ना, बैंक या शोरूम से गाड़ी दिया, पैसा शोरूम भरा गाड़ी बेचा, पैसा शोरूम भरा कमाया, इसमें बैंक वाले से कोई लेना नहीं है, हम तो बैंक से। हेलो सर, लोन दिया, लोन लेने जाते हैं। एक मिनट जरा सर से बात कर। हाँ सर, नमस्कार सर, उजागर मीडिया से बात कर रहा हूँ सर, देखिए यहाँ पर है क्या, एक मिनट जरा लाउड स्पीकर में, जरा लाउड स्पीकर ऑन कीजिएगा सर, बात कर लीजिए ना। हाँ सर बोलिए, दिक्कत आपके यहाँ पर 5-6 लोग जमा है और ये लोग 2 साल से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं सर। इनका कहना ये है कि 2 साल से ना तो मुझे RC बुक मिला है, ना तो बहुत सारी गाड़ी में नंबर नहीं मिला है, और उसका हर्जाना इनको हर रोज भुगतना पड़ता है, हर 5 किलोमीटर के बाद पुलिस गाड़ी चेक करती है, इन लोगों को नुकसान। जी जी जी, हो रहा है ना सर। अब जिसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, RC बुक नहीं है, तो आपको लगता है कि अभी के वक्त में पुलिस वाले बिना पैसा लिए छोड़ेंगे? कस्टमर शिकायत किए, हम यहाँ के बड़े बड़े उनको नंबर गाड़ी का फोटो भेज दे, फोटो भेजे क्या क्या नाम से, जरा सा नाम बताइए किनका किनका, एक मिनट बताइए, सब बता दिए इनको एक बार हमको बताइए ना। फैयाज आ रहा है, मोहम्मद फैयाज आ रहा है, मोहम्मद MD परवेज है, जिसका की गाड़ी नंबर प्लेट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और 12 महीना हो गया गाड़ी लड़ने से। हाँ, और जगजीवन मंडल है, जिसका की अभी जाकर इधर रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन नंबर प्लेट अभी नहीं मिल रहा है, उससे पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण के कलेक्शन का लड़का, आप ऑनर से बात कर, ऑनर से बात कर रही है, कलेक्शन के लड़का का कुछ नहीं। फिर ओके, फिर तुम निकलो, हम आपसे बात नहीं कर रहे, तुम आप लोग, आप लोग ये शोरूम के मैनेजर साहब है, ये शोरूम देखिए सर, आपके स्टाफ, आप लोग का बिजनेस सर इतना लंबा चौड़ा सर, कस्टमर के साथ ऐसे बात होगी तो ठीक ना सर। तुमका टेप तोड़ देंगे, घोसड़ी का अगर तुम यहाँ अंदर आया तो। हाँ बोलिए ना सर। हाँ बोलिए सर, हाँ सुन रहे हैं, सुन इसके साथ जो अभी तुरंत कलंदर जी आपसे बात हुई, जो आपसे गाड़ी लिया वो भी आपके कस्टमर ही सर, मेरे कस्टमर हैं वो भी, तो कस्टमर ये भी तो कस्टमर ही है ना आपका, ये कौन है? आप नहीं सुनते, किसी को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? इसकी अभी भी फैयाद जी आए, सुनिए, इसलिए उसके देख लीजिए, इस कस्टमर सुनते हम किसी को पकड़े हैं, बताया एक मिनट सर, एक लड़का, एक देखिए सर, एक मिनट, इसको हम बहुत भलाई बुरा बूढ़ा आदमी है, ठीक है, इस सारा पैसा दे चुका है, ये फोन करके उसके घर पे गया और बोला कि नहीं 17,000 ड्यू है आपके ऊपर, और जब इनको कहा गया तो ई मना की जो है 5,000 पे वो रेडी हो गया और बोला 2 का जो है किस्ती नहीं दिया है, वो लोग बर्गलिंग करके लड़का को बुलाता है, वो कलेक्शन एजेंट क्या करता है, छोड़ दीजिए, हम उस पे करवा वो क्या करता वो छोड़ दीजिए, एजेंट वाला लड़का क्यों आया, परेशानी को कब तक सॉल्व कर रहे हैं? ई मेरा कस्टमर है, बिल्कुल 2 साल हो चुके हैं इसकी कस्टमर, आपसे भी रिक्वेस्ट हम करते हैं, नहीं सरकार सुनिए मेरी बात को, हम दुर्गा पूजा के बाद बोले हैं, दुर्गा पूजा के बाद सारी समस्या समाधान कर देंगे, जरा सा एक स्पीच मेरी सुनिए, जरा सा बाबा, जरा सा देखें कागज, उस पे गरमाने का मतलब मेरा यही है, कलेक्शन का लड़का है और वो हमेशा मनरेगा, वो जो है ना कस्टमर को झूठ सच कह के जो है पैसा ठगता है, एक मिनट आपके सामने हम कागज दिखा रहे हैं, देखे जरा बाबा कागज देखे हो तुरंत, वो बोला 5-6 महीने का बकाया है, ठीक है, जब उसको हमने बोला कलेक्शन का लड़का सुनील है और रॉकी है, पैसा लेके चला गया है, तब वो बोलता है माफ करवा देंगे, जबकि वो कलेक्शन का लड़का वो स्वयं जानता है कि मन के TVS क्रेडिट का जब हमें मेरे में लॉगिंग में हम देखेंगे किसका नहीं आया है, किसका आया है, कौन किस किस्ती में दे दिया, कौन किस्ती में
नहीं दिया है। इन लोगों का पैसे का भी कोई इश्यू नहीं सर, इन लोगों के साथ, लोगों के साथ जो परेशानी, इन लोगों के साथ मेरा सारा गुडविल संबंध है, सारे आदमी से। अभी भी कलंदर जी से बात हुई, बोलिए। हम यही बोलना चाह रहे मनीष जी, जो आते हैं घर पे पैसा लेने के लिए, अगर गाड़ी जो मेरा पकड़ा था उसको हम बोलते हैं भाई जी मेरा जो आरसी बुक नहीं मिला है, तो ये आके यहाँ बोलते हैं, ये लोग उसको गलत साबित करके उसको परेशान किया जाता है, ठीक है? ये गलत गलत ये लोग व्यवहार करते हैं। तुम भी मेरा कस्टमर, एक मिनट सर, देखिए आप, वो लड़का बोला कि 5-6 का जो है किस्ती सर जो है नहीं दिया है, ठीक है, उसका ड्यू चल रहा है, ठीक है, 5वां महीना और 6ठा महीना। जब हम उसको बोले, देखिए ये 5वां महीना है न सर, ये 6ठा महीना है ना, जब दोनों किस्ती एकदम इसमें साइन किया हुआ, कलेक्शन का लड़का है, ये साइन किया हुआ है, ये बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने बोला 17,000 रुपया दो, तो इसके घर पे जाके उन्होंने 19-20 किया। हमको इसी बात का बुरा आया कि तुम कलेक्शन वाला साथ में लेके, ये मेरा कस्टमर है ना, बिल्कुल जी, हम इसकी समस्या को समाधान करेंगे। तुम कलेक्शन 2021 में लिए हैं आप ना, 2021 तो ये 2021 के कस्टमर है, 2022 के कस्टमर है, 22 के कस्टमर है, 2 साल बहुत अरसा होता है। एक मिनट सर, आप हमको फेस्टिवल तक का समय दीजिए, दुर्गा पूजा के बाद हम सारे को जो है ना नंबर प्लेट, कुछ नहीं सर, तो जैसे नंबर प्लेट जनरेट होता है आरसी आ जाता है। आरसी तो गाड़ी का मिनिमम 30 दिन, जी जी आरसी का मिनिमम 30 दिन, बार बार का मतलब नहीं, कोई भी शोरूम कोई ऐसा हो सकता कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो गाड़ी का, कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आया रहे हम जो है ना पूरा कर देंगे, ठीक है। हम दुर्गा पूजा के बाद सर जो आपके मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करें, दुर्गा पूजा के बाद सारी समस्या समाधान कभी नहीं होगा, ये डेली ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ आने के बाद भी कस्टमर के जो इसका ओनर जो वो फोन पे गाली उली भी देता है, हम लोग को गाली उली भी देता है, गाली भी देता है, हम बोलते हैं ना ओनर साहब नहीं है, नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करते, गाली देता है तभी हम लोग आए हैं यहाँ, पूरा परेशान हम लोग को करता है यहाँ, ठीक है। तुम लोगों का समस्या समस्या यहाँ कभी दूर नहीं होगा। हम अच्छा एक टाइम दीजिए, बाकी हम लोग भी है ना, अरे दुर्गा पूजा का हम बोले ना, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग क्या बोले, फेस्टिवल के बाद हमने तो बोला ना 10-11 तक, नहीं अरे दुर्गा पूजा तक का बोले ना, 2 महीने के बाद हम लोग दिवाली भी आएगा, 2 महीने के बाद गाड़ी का हम लोग का पैसा खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा गाड़ी का पैसा खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या देगा, हम लोग को कुछ नहीं दे पाएगा। काली पूजा के बाद बोलिएगा, छठ पूजा है, अजीत जी परसों आए थे, पूछिए अजीत जी से बात क्या हुई, जब अजीत जी से बात हो गई तो फिर अजीत जी क्यों एक बार और डेट लेते। बात सही है सर, हम लोग देखिए हम लोग बहुत परेशान है, आप टाइम दीजिए उसका, यहाँ गाड़ी लेने से कोई फायदा नहीं है सर। अभी देखिए आप के ये इतने सारे लोग हैं, ये सारे लोग लगभग 8 से 10 लोग हैं जिनको 2 साल आसपास होने को है, आप आ जाइए एक मिनट, फिर आप जो करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। नहीं नहीं रुकिए ना, वीडियो लाइव सर से बात करेंगे, फिर आपके सामने हम भेजेंगे, बात करवाइए। सर यहाँ पर 10 आदमी हैं सर, एक परवेज नहीं है, 10 आदमी है। अच्छा अच्छा अगर किसी का पेंडिंग रह गया, अगर हमारे यहाँ साल में 300 गाड़ी बिकती है, 300 में अगर 10 लोगों का 5 लोगों का पेंडिंग रह गया, तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आधार कार्ड का कुछ और है, बाकी एड्रेस कुछ और है। एक बार सर आप एक बार इन लोगों से आकर फेस टू फेस आप सभी लोगों से मीटिंग कर लीजिए सर, ठीक है, एक बार सभी से मिलके जो इश्यूज हो रहे हैं, जो परेशानी आप ठीक है सर, नवरात्रि के बाद मेरा मैनेजर जो है बोला ना, नवरात्रि के बाद 25 तारीख को नवरात्र हमारा खत्म हो रहा है, 25 को खत्म हो रहा है, ठीक, 28 से 30 के बीच में सारे लोगों को नंबर चेक किया जाएगा,
चलिए इस 28 तारीख का डेट आप लोग को दे रहे हैं सर, 28 नंबर प्लेट का क्या इस 28 तारीख तक आप लोगों को वेट करना होगा सर? कर लेंगे सर 28 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं। नंबर प्लेट सबकी गाड़ी में सर? हाँ ना सर, यही ना कर रहे हैं सर। आरसी बुक सर बोल रहे हैं कि 28 तारीख को आके नंबर प्लेट लगाइए, आरसी बुक गवर्नमेंट की तरफ से आती है, आरसी बुक बाय पोस्ट, ये बोल रहे हैं। पहले एक बार मीटिंग कीजिए, 28 तारीख को आके सबको नंबर प्लेट लीजिए, उसके बाद एक बार आकर यहाँ मीटिंग कीजिए, नहीं होगा तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो सारी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बिल्कुल दो साल किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है। इतने साल अब कितना फॉर्म फाइन भर चुके हैं? बहुत फाइन, ढेरों फाइन भर चुके। आइए, 5-6 बार गाड़ी मेरा खुद पकड़ा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप लोग बिजनेस करते हैं सर, इस तरीके से कीजिएगा। ये देखिए सनहौला का ये टीवीएस का शोरूम है, ये शोरूम कहाँ का है? सनहौला का टीवीएस का, यहीं पर जो लोगों ने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए। 28 तारीख तक का आपने डेट दिया, एकदम एकदम सर, एकदम 28 तारीख को ये लोग को आपको देना चाहिए जी, क्योंकि परेशान हो रहे हैं ये पब्लिक, आम जी, 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 आपके कस्टमर है, ऐसा कीजिएगा तो दूसरे कस्टमर पे असर पड़ेगा, यहाँ पर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तस्वीरें सीधे सनहौला से, और ये सारे लोग इस शोरूम से इन्होंने गाड़ी खरीदी, इन्हें 2 साल हो चुके हैं, आरसी बुक और नंबर नहीं मिला है, इनकी ये शिकायत इन लोगों ने यहाँ पर आकर जो है मैनेजर से, यहाँ के शोरूम के मालिक से बात की, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिया गया पिछले 2 साल के अंदर। तब मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने के लिए आया कि देखिए शोरूम के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं।